हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ड्राइव्स। तो ड्राइव्स के अंदर अभी आज हमारा जो टॉपिक है, तो वो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे। अपन दो तरीके का अपन इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज करते हैं, एसी और डीसी। ठीक है, एसी में भी थ्री फेज की सप्लाई होती है, सिंगल फेज की सप्लाई होती है। ठीक है, और डीसी सप्लाई होती है। अपन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात इसलिए करते हैं कि जैसे कि अलग अलग मोटर होती है, ठीक है, और अलग अलग लोड के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ मोटर जो एसी पे ऑपरेट होती है और कुछ मोटर जो है अपने डीसी पे ऑपरेट होती है। ठीक है, तो जो एसी पे ऑपरेट होती है उसमें भी देखेंगे सिंगल फेज की है या थ्री फेज की है। ठीक है, तो उस तरीके से उसमें अगर एसी थ्री फेज की मोटर है तो थ्री फेज सप्लाई देंगे, एसी सिंगल फेज की मोटर है तो उसमें सिंगल फेज सप्लाई देंगे। अगर डीसी मोटर होगा तो उसमें अपन क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तभी आपका मोटर जो ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेचर ऑफ पावर सप्लाई है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, तो वो आपका थ्री फेज हो सकता है, एसी थ्री फेज एसी, सिंगल फेज एसी, और आपका डीसी हो सकता है। क्लियर है? देखिए, ये आपका टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल मे बी थ्री फेज एसी, सिंगल फेज एसी और डीसी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो तीन वेरिएंट में अवेलेबल है, थ्री फेज एसी होगा, सिंगल फेज एसी होगा, या आपका डीसी होगा। ठीक है, इन तीन वेरिएंट में अवेलेबल है, थ्री फेज एसी, सिंगल फेज एसी और डीसी। क्लियर? इन केस थ्री फेज एसी सप्लाई, मान लीजिए कि अगर अपन थ्री फेज सप्लाई अपने पास है या थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी मोटर ऑपरेट होगी। इज अवेलेबल, अगर अपने पास थ्री फेज की पावर सप्लाई जो अवेलेबल है, ठीक है, तो पॉली फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज टाइप फॉर स्मॉल रेटिंग एंड स्लिप रिंग टाइप फॉर हायर रेटिंग में भी यूज्ड। ठीक है, तो बहुत सारी मोटर है जो थ्री फेज की मोटर पर ऑपरेट होती है। ठीक, उसके लिए थ्री फेज ही सप्लाई चाहिए। ठीक है, उसमें से कुछ जो है कि अगर अपने पास थ्री फेज एसी अवेलेबल है तो पॉली फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज टाइप, ठीक है, जो स्मॉल रेटिंग के लिए यूज करते हैं, एंड स्लिप रिंग टाइप जिसको अपन हाई रेटिंग के लिए यूज करते हैं, इस तरीके की मोटर आपके यूज होगी अगर अपने पास थ्री फेज की सप्लाई है, ठीक है, ड्राइव्स के अंदर। क्लियर है? आगे देखिए, इन द केस वेयर स्पीड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत जगह स्पीड में वेरिएशन होता है, स्लो मीडियम हाई। ठीक है, तो स्पीड में वेरिएशन होगा, बहुत जगह बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है वहाँ पर देखिए किस तरीके का मोटर यूज होगा। इन द केस वेयर स्पीड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड, दिस कैन नॉट बी कन्वेंटली यूज। ठीक है, तो जहाँ पे स्पीड वेरिएशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पे इस तरीके की जो एसी मोटर है वो यूज नहीं होगी। ठीक है, इन द केस वेयर स्पीड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड, दिस कैन नॉट बी कन्वीनियंटली यूज, सो पोल चेंजिंग मोटर्स और मोटर्स विथ स्टेप्ड पुली में भी यूज। ठीक है, अगर स्पीड में वेरिएशन है ना तो पोली फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज टाइप, स्मॉल रेटिंग एंड स्लिप रिंग टाइप आपका जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर, वो उस तरीके की मोटर यूज नहीं होगी। ठीक है, या स्पीड में वेरिएशन है तो किस तरीके की मोटर यूज होगी, सो पोल चेंजिंग मोटर और मोटर विथ स्टेप्ड पुली में भी यूज। ठीक है, तो इस तरीके की दो, अगर आपने स्पीड में वेरिएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पोल चेंजिंग मोटर या मोटर जो स्टेप पुली में भी यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कि सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ पावर सप्लाई पे आपका आपका डिपेंड कर रहा है। आगे देखिए, वेयर एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ स्पीड इज रिक्वायर्ड, सीरेज मोटर में भी यूज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि स्पीड कंट्रोल, मोटर का स्पीड कंट्रोल बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल फाइन चाहिए, तो जो आपका सीरेज मोटर है, ठीक है, उसको अपन यूज करेंगे। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा कि वो कौन सी मोटर है जिसको बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, तो सीरेज मोटर है। ठीक है, वेयर एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ स्पीड इज रिक्वायर्ड, सीरेज मोटर में बी यूज। ठीक है, तो आपका सीरेज मोटर बिल्कुल फाइन, बिल्कुल स्मूथ और अच्छे स्पीड कंट्रोल, एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ सिंगल फेज मोटर इज लिमिटेड। ठीक है,
जो आपका सिंगल फेज मोटर है ना, उसका यूज लिमिटेड होता है, ठीक है, उसको हर एक जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। टू ए स्मॉल लोड ओनली ऑनिंग टू देयर लिमिटेड आउटपुट्स, ठीक है, तो जो सिंगल फेज की लोड की जो मोटर है उसका लिमिटेड, उसको अपन स्मॉल लोड के लिए यूज करते हैं ओनली, ठीक है, इसका बहुत बड़ा स्तर पे इसका यूज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल फेज की मोटर के लिए सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए, और स्पेशली डोमेस्टिक पर्पज से यूज करते हैं स्मॉल लोड्स के लिए, बहुत बड़े लोड्स के लिए इसको अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको देखते हैं हम आगे। इसमें देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर को हम लोग वाइडली यूज क्यों नहीं करते हैं, एसी ही स्पेशली अपन यूज क्यों करते हैं, ठीक है, कि मोस्टली प्लेसेस पे अपन एसी यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपन डीसी यूज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो डीसी मोटर यूज करने से नहीं होगा, डीसी मोटर के लिए अपने को सप्लाई भी डीसी चाहिए, ठीक है, तभी डीसी मोटर आपकी ऑपरेट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, डीसी मोटर आर नॉट यूज्ड सो वाइडली, तो मतलब बहुत बड़े वाइड लेवल पे, ठीक है, बृहत स्तर पे जो आपका डीसी मोटर हो वो यूज नहीं होता है एज एसी वंस, एसी की तरह, ठीक है। तो बृहत लेवल पे आपका जो है एसी ही, एसी मोटर ही यूज होती है, ना कि डीसी मोटर, ठीक है। देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच आर गिवन बिलो, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, और वो सारे कारण यहाँ नीचे दिए होंगे कि अपन डीसी मोटर की जगह एसी मोटर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, देखिए, कि अपन डीसी मोटर को क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस इज जनरेटेड इन एसी फॉर्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल रीजन। तो जब भी पावर प्लांट आपने स्टडी किया होगा तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका जनरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एसी, 11 kV पे, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 Hz, ठीक है। तो आपका डोमेस्टिक हो कमर्शियल हो, हर एक जगह अपन क्या करते हैं एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो हर एक जगह जब एसी सप्लाई है तो अपने लिए सहूलियत क्या होगी कि अपन एसी मोटर ही यूज करें, ठीक है। अगर डीसी यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि एसी को डीसी में चेंज करेंगे, एडिशनल आपका रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, देन आपकी डीसी की मोटर ऑपरेट होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर एक जगह पे अपन एसी सप्लाई अवेलेबल है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि एसी मोटर ही यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल इज यूजुअली एसी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो एसी के रूप में अवेलेबल है। एडिशनल इक्विपमेंट इज देयर फॉर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग एसी सप्लाई इंटू डीसी सप्लाई, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लोग डीसी मोटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, और डीसी सप्लाई के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास तो एसी है, उस एसी को डीसी में चेंज करना पड़ेगा। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए एडिशनल इक्विपमेंट, एडिशनल मशीनरी टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, क्लियर है। आगे देखिए, डीसी मोटर्स हैव कम्यूटेटर्स, ठीक है, कम्यूटेटर्स के बारे में आपने देखा होगा, अगर मशीन की इलेक्ट्रिकल मशीन डीसी मशीन पढ़ा हो तो उसमें कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर होता है, वो क्या करता है कि आपका सिंपल क्या करेगा कि एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है। और एसी मशीन के अंदर क्या होता है, एसी मोटर्स के अंदर कम्यूटेटर नहीं होता है, डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर होता है। उस कम्यूटेटर का मेन काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना, ठीक है। तो डीसी मोटर हैव कम्यूटेटर्स डैट आर सब्जेक्टेड टू ट्रबल रिजल्टिंग फ्रॉम स्पार्किंग, ठीक है, ब्रश वियर, आर्क ओवर एंड द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर एंड डिस्ट्रक्टिव फ्यूम्स इन द सराउंडिंग एयर, ठीक है। तो डीसी मोटर के पास इस तरीके से हमारा कम्यूटेटर यूज होता है, और आपका जो कम्यूटेटर है डेट आर सब्जेक्टेड टू ट्रबल रिजल्टिंग फ्रॉम, ठीक है, अगर इस तरह से कम्यूटेटर है उससे अपन स्पार्किंग की समस्या आ जाएगी, ठीक है, ब्रश का जो ब्रशेज यूज होते हैं वो घिसने लगेंगे, ठीक है, और इस तरीके से मॉइस्चर एंड डिस्ट्रक्टिव फ्यूम्स इन द सराउंडिंग एयर, ठीक है। तो जो अपना कम्यूटेटर यूज होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अपना क्रिएट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देन आपका क्या होगा कि अपन कम्यूटेटर इसलिए यूज कर रहे हैं कि डीसी को एसी को डीसी में चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ पे एडिशनल आपका रिक्वायरमेंट बढ़ गया, ठीक है, ओवरऑल जो मशीन का कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है,
और जब कम्यूटेटर लगाएंगे तो उसका जो परिणाम होगा, ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें निकल के चलती आएंगी, ठीक है, तो जिसको भी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द डीसी मोटर हैव कम्यूटेटर डैट आर सब्जेक्टेड टू ट्रबल, जो ट्रबल क्रिएट करेगा रिजल्टिंग फ्रॉम स्पार्किंग, उसकी वजह से आपका क्या होगा, स्पार्क वगैरह हो सकता है, ठीक है। कम्यूटेटर रोटेट करेगा, ठीक है, जो कम्यूटेटर है वो आपका रोटेटिंग पार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जैसे वो रोटेटिंग पार्ट को टच करेगा तो वहाँ पे वो क्या होगा आपका, इस तरीके से स्पार्किंग वगैरह होगी, ठीक है। डीसी मोटर आर जनरली मोर एक्सपेंसिव, अगर अपन डीसी मोटर यूज़ करते हैं तो डीसी की मोटर बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली आती है, ठीक है, देन एसी मोटर फॉर सिमिलर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। अगर सेम काम के लिए अगर हम डीसी मोटर यूज़ करते हैं ना तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा आती है कंपेरिजन टू एसी मोटर्स, ठीक है। तो इसी रीजन से हम लोग क्या करते हैं कि डीसी मोटर बहुत लिमिटेड जगह पर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन क्या करेंगे कि जब डीसी मोटर यूज़ करेंगे तो सप्लाई भी अपनी क्या होगी, डीसी होगी, और अपने पास अवेलेबल है आपकी एसी सप्लाई इजी तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई देखिए। ऑन कॉन्ट्रैक्टरी एसी मोटर हैव द एडवांटेज ऑफ पोजिजिंग फ्यू वर्किंग पार्ट्स, ठीक है। तो जब अपन एसी सप्लाई यूज करते हैं तो एसी सप्लाई पे आपकी एसी मोटर ऑपरेट होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो पार्ट्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं कंपेरिजन टू डीसी मोटर, पोजिजिंग फ्यू वर्किंग पार्ट्स रिक्वायरिंग लेस मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर एंड प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड लॉन्ग सर्विसेज लाइफ। तो एसी की मोटर जो होती है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कम होते हैं, जब नंबर ऑफ पार्ट्स कम होगा तो उसका मेंटेनेंस भी कम होगा, जब मेंटेनेंस भी कम होगा तो वो कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अपने को देगा और इसकी जो लाइफ भी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैव हाई इफिशेंसी एंड प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग एंड यूनिफॉर्म ऑपरेटिंग टॉर्क। अगर हम लोग थ्री फेज की मोटर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे थ्री फेज की सप्लाई चाहिए, अगर थ्री फेज की मोटर अपन यूज़ करेंगे तो उसकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और अपने को हाई स्टार्टिंग और बिल्कुल यूनिफॉर्म टॉर्क क्या करता है प्रोवाइड करता है, कौन, थ्री फेज की एसी मोटर जो है वो। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई कौन सी चाहिए, थ्री फेज एसी सप्लाई चाहिए, और जो इस तरीके के थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे तो उसकी इफिशियंसी हाई होती है और अपने को हाई स्टार्टिंग टॉर्क और अपने को यूनिफॉर्म ऑपरेटिंग टॉर्क देगा, ठीक है। एंड बैलेंस लोडिंग ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, एंड आपका एक बैलेंस लोडिंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, क्लियर है। आगे देखिए, डीसी मोटर आर नेवर लेस यूज इन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, तो डिस नेवर लेस, ठीक है, बहुत, ठीक है, तो डीसी मोटर को हम लोग बहुत जगह लार्ज तौर पे अपन यूज करते हैं एप्लीकेशन में। डीसी मोटर आर नेवरथलेस यूज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो डीसी मोटर को भी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन देयर एक्सेलेंट टॉर्क एंड स्पीड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बाई एसी मोटर, ठीक है। तो देखिए जो डीसी मोटर होती है ना, डीसी सीरीज मोटर, जिसकी स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, तो कुछ गुण इसमें ऐसे होते हैं डीसी मोटर में जिसकी कॉपी जो है वो एसी मोटर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बहुत जैसे ट्रैक्शन में स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि डीसी की मोटर यूज़ करते हैं, वाई, क्योंकि डीसी की मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिख दिया मैंने कि डीसी मोटर आर नेवर लेस यूज इन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्पेशली वेन देयर एक्सलेंट टॉर्क, तो जो डीसी मोटर के पास एक्सलेंट टॉर्क होता है एंड स्पीड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और स्पीड ऑपरेटिंग इसकी खासियत है, ठीक है, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बाई एसी मोटर, और ये जो है एसी मोटर के द्वारा कॉपी नहीं की जा सकती, मतलब ये सारे गुण आपकी एसी मोटर के अंदर नहीं होती है। मोर एवर द स्पीड कंट्रोल डैट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर डीसी मोटर इज फॉर मोर फ्लेक्सीबल एंड सेटिस्फैक्ट्री देन दैट विच कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एसी मोटर, ठीक है। तो
तो जो आपका स्पीड कंट्रोल है ना, वो एसी के कंपैरिजन में डीसी मोटर के काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और फाइन होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जगह इसको ट्रैक्शन वगैरह में हम लोग डीसी मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई पूछे तो आपको डिटेल में ये देना है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सप्लाई, एसी एंड डीसी, ठीक है। एसी के अंदर थ्री फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई एंड डीसी सप्लाई होती है, ठीक है। और उसी पे आपकी मोटर ऑपरेट होती है, एसी की मोटर एंड डीसी की मोटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, और यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।